हाँ, सो लेट अस बिगिन फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया, मैं आपको फिर क्लियर करता हूं कि जब भी हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं, जो घरों में हम बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम उसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। वी मेक यूज ऑफ सेम वाइंडिंग फॉर प्राइमरी एज वेल एज फॉर सेकेंडरी। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। तो अगर अब हम क्या करेंगे, अगर अब आपको कोई भी पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा, यू शुड बी अवेयर कि हमें कौन सा क्या पार्ट इसमें यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाइल मेकिंग एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, आपको पहले ही क्या करना है, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया, डाटा कलेक्ट करना है कि प्राइमरी वाइंडिंग कितनी रखनी है, सेकेंडरी वाइंडिंग कितनी रखनी है, वो आपको पता होना चाहिए। बट क्योंकि हम एक सिंगल वाइंडिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हमारा डाटा एक ही रहेगा। कतरे में समझ असमच में जो क्वाइल यूज करनी, वी आर मेकिंग ए सिंगल क्वाइल। एक सिंगल क्वाइल से हम प्राइमरी भी निकाल रहे हैं और सेकेंडरी भी निकाल रहे हैं। इट मींस ए सिंगल क्वाइल विल सर्व एज ए प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो एक तो मुझे क्वाइल चाहिए, एक तो मुझे इम्प्रेग्नेटेड पेपर चाहिए, एक तो मुझे मास्किंग टेप चाहिए, एक तो मुझे ई एंड आई स्ट्रिप्स चाहिए, एक तो मुझे चेसिस चाहिए, पीछे में जरूरत, एक तो मुझे 5 एम्पियर का सॉकेट चाहिए, एक मुझे 5 एम्पियर का स्विच चाहिए, एक मुझे इंडिकेटर चाहिए, दो इंडिकेटर्स मुझे चाहिए, एक डीपीडीटी मुझे चाहिए, एक रोटर चाहिए, और एक मेरे पास मीटर होना चाहिए, और एक ऑटो कट पलेट चाहिए। अगर ऑटो कट पलेट के साथ रिले असेंबल्ड वहीं से है, फिर मुझे नहीं चाहिए, अदरवाइज मुझे अलग से एक रिले भी चाहिए। और अगर रिले के लिए मैं कॉयल से ही 12 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ, देन मुझे एक ट्रांसफार्मर 909 की जरूरत नहीं है, फिर मैं वहीं से अपनी सप्लाई ले लूंगा। कंशा अथमनशा कैंड डाउट कंश। किसी को डाउट है इसके रिलेटेड? किसी को डाउट है इस रिलेटेड कुछ? ओके, सो लेट मी प्रोसीड फर्दर। जब भी मैं एक ट्रांसफार्मर बनाऊंगा, व्हाट आई विल डू, मैं पहले ये चीजें लाऊंगा ही लाऊंगा। गुनेता अन बे यम सारी चीज, यूथी बे यम सारी चीज पानस बिथ कन अन, इसके बाद ही मैं काम स्टार्ट करूंगा। पहले काम क्या करूंगा, मैं कॉयल बनाऊंगा, ठीक है। कॉयल खतरु छु मैं डाटा गुंती तैयार थोमुत, मुझे पता है मैं कौन सा बना रहा हूँ। मैं 1 KVA बना रहा हूँ, 2 KVA बना रहा हूँ, मैंने कॉयल का डाटा पहले ही उठा के रखा है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्योंकि कॉयल मैंने बना ली, कॉयल में मैंने ई आई स्ट्रिप्स भी डाल दिए, मैंने कॉयल के 8 बाहर वाली टेपिंग भी निकाल दी, मैंने टेपिंग पे नंबरिंग भी की 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैंने इनपुट पे जो कॉयल है मेरी, अगर 2 टर्मिनल निकल रहे हो, एक पे 12 वोल्ट भी लिख दिया और एक पे मैंने इनपुट भी लिख दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं कनेक्शंस करूंगा। कनेक्शंस मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास रोटर होगा उसके 8 स्लॉट्स होंगे, उन 8 स्लॉट्स पे मैं अपने जो हुए कॉयल के आउटपुट 8 पॉइंट्स मेरे निकले हुए हैं, वो उन 8 में अटैच कर दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, जो मेरा इसी रोटर के ऊपर एक कॉमन टर्मिनल रहता है, उस कॉमन टर्मिनल से एक पॉइंट उठा के अपने डीपीडीटी में दूंगा। और क्या करूंगा, जो मेरा फर्स्ट टर्मिनल रहेगा, उस फर्स्ट टर्मिनल से भी मैं एक पॉइंट उठा के, एडिशनल पॉइंट उठा के मैं इस अपने डीपीडीटी में दे दूंगा। डीपीडीटी से मैं क्या करूंगा, डीपीडीटी को कनेक्शन में आगे अपने जो हमारे पास रिले होता है उसके थ्रू कनेक्ट कर दूंगा आउटपुट के साथ, ठीक है। आउटपुट टर्मिनल जो होगा वहां, जो मेरा इनपुट आएगा, जो मेरी इनपुट सप्लाई आएगी, इनपुट सप्लाई का जो न्यूट्रल वहां से आएगा, वो न्यूट्रल में सारे जो भी अंदर मेरे, जैसे इंडिकेटर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, ठीक है, उसको उनके साथ ये वो कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं जो मेरी कॉयल का, जो मेरे कॉयल का 12 वोल्ट का डीसी होगा, सॉरी 12 वोल्ट का एसी जो निकल रहा होगा, वो मैं अपने इसी ऑटो कट पलेट के थ्रू वो जो मेरे जो मेरा रिले है उसको कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद ये सारा जो ऑपरेशन है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं प्रीसेट कर दूंगा कि मुझे किस प्रीसेट वोल्टेज, किस वोल्टेज पे मुझे प्रीसेट चाहिए, ठीक है।
बात समझ आ गई आपको? किसी को कोई डाउट आज के क्लास के रिगार्डिंग? नो सर। अगर अभी भी डाउट है तो मैं क्लियर करूंगा, बिकॉज दिस ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर घर ही ट्रांसफार्मर को खराब तो क्यों घर ही ठीक करे? और जो नॉर्मली आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे पीछे आपके पास स्लाइड है जिस व्हाइट कलर लगाई ना अथ पैठ यमन दपान स्लीव क्या दपान स्लीव, क्याजकि हम जो नॉर्मल हमारे पास ट्रांसफार्मर रहता है उसमें यही स्लीव यूज करते हैं ना कि टेप करते हैं। अगर आप कॉयल की वाइंडिंग भी देखोगे, अगर किसी भी जगह आप कॉयल की वाइंडिंग भी देखोगे उस वाइंडिंग में क्या रहेगा, उसमें यही स्लीव रहेंगे। देखो यहाँ पे भी स्लीव लगा के है, इस वाइट कलर स्लीव नमरन ही हम जो कॉयल यूज कर रहे होंगे उसी के हिसाब से हम स्लीव भी लाएंगे। हमें कौन सी स्लीव चाहिए? स्लीव क्या करा कम इट एक्चुअली एक्ट्स एज एन इंसुलेटर। ठीक है, अगर तुम पूछो एक कॉयल जो कॉयल के आउटपुट टर्मिनल होंगे उनमें यही स्लीव लगे हैं। अब आप बताओगे सर जैसे हमारे पास कॉयल का आउटपुट निकल रहा है तो आउटपुट 8 जैसे निकल रहा है तो मैं ये अरेंज कैसे करूंगा? इट डिपेंड्स ऑन यू। आप नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 सो दैट आपको ये याद रहे कि मुझे रोटर के किस पॉइंट में अटैच करना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो बॉबिन प्री फैब्रिकेटेड बॉबिन आता है उसमें होल्स रहते हैं, ठीक है, उसमें 4-5 होल रहते हैं, एक होल से हम 2-2 तार वायर्स निकाल सकते हैं। जैसे हम एक फर्स्ट टेप और सेकंड टेप एक से निकालेंगे, थर्ड टेप और फोर्थ टेप दूसरे से निकालेंगे, फिफ्थ और सिक्स तीसरे से निकालेंगे और सेवंथ और एट्थ चौथे से निकालेंगे। इट विल डिपेंड ऑन यू हाउ विल यू डू, बट ये चीज है कि आपका आपकी जो वायरिंग होगी दैट शुड लुक डिसेंट। ऐसा नहीं हो कि तारों का झमेला होगा वो किसी को समझ नहीं आएगा। और जनरली क्योंकि ये बहुत ही कम वोल्टेज पे हम ऑपरेट कर रहे हैं तो कोई भी इतनी मतलब वो कहते ना जो साइज होगा वायर का कनेक्शन वायर का टर्मिनल्स का वो हमें ज्यादातर नॉर्मली हम क्या करते हैं वो उसमें हम स्ट्रैंड यूज कर स्ट्रैंडेड वायर यूज करते हैं, मतलब हम उतनी हेवी वायर यूज नहीं करते हैं सो दैट कि ये अच्छा भी दिखे और अंदर जो स्पेस ये ऑक्यूपाई जो वायरिंग कर रही है वो कम हो। ठीक है, आई थिंक दिस लेक्चर टूडेज लेक्चर हैज क्लियर मेनी ऑफ यूर डाउट्स रिगार्डिंग ऑटोमेटिक वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो हमारे पास घरों में रहता है जो हम रोटर के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, अब रहता है हमारे पास ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। अगर आप ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर देखोगे ऑलमोस्ट वो भी ऐसा ही रहता है, बट उसमें 2-3 चीजें डिफरेंट होती है। पहली डिफरेंस ये रहती है कि रोटर उसमें नहीं रहता है। ठीक है, रोटर ना होने की वजह से हम क्या उसमें यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ रिलेज। उसमें हम बड़े ब्लैक कलर के हमारे पास रिले आते हैं, हम वो वाले यूज करते हैं और उसमें जो ऑटो कट प्लेट होता है वो भी बहुत ही बड़ा रहता है। दैट इज जनरली अ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इन, मतलब जब हम बड़े 3 kVA के बनाते हैं 2 kVA के बनाते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड जो हमारे पास कट प्लेट भी उसमें रहते हैं और उसी बिहा पे हम ये यूज करते हैं। ठीक है, बट जो हमारे पास जो नॉर्मल ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है उसमें जनरली यही 4-5 चीजें होते हैं हमारे पास। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कौन कौन से कंपोनेंट आपको चाहिए सो दैट आपको ये चीज पूरी तरह समझ आए और आपको ये चीज आगे भी मतलब जब भी आप ट्रांसफार्मर बनाओगे तो आपको ये चीज मतलब आगे भी यूजफुल हो। पहली बात हमारे पास कॉयल होनी चाहिए, दूसरी बात कॉयल बनाने के लिए मेरे पास कॉपर होना चाहिए, कॉपर वायर होनी चाहिए, इंप्रेग्नेटेड पेपर रहना चाहिए, मास्किंग टेप होनी चाहिए, बॉबिन होना चाहिए, ई और आई स्ट्रिप होना चाहिए, ब्रैकेट। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं? हाँ चैट बॉक्स में, हाँ हाँ मैं लिख सकता हूँ, एक सेकंड। देखो पहले हमारे पास क्या रहना चाहिए, कॉपर वाइंडिंग। ठीक है, उसका कॉपर वाइंडिंग का जो गेज है वो आप खुद देखोगे कि मुझे गेज क्या चाहिए। ठीक है, कॉपर वाइंडिंग। ठीक है, इसके बाद ई आई स्ट्रिप्स, उसके बाद मेरे पास नट्स, ब्रैकेट एंड नट्स। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जो रहेगा मेरे पास इम्प्रेग्नेटेड पेपर, इसके बाद स्पूल और फॉर्म वर्क या बॉबिन जिसको हम कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या रहेगा,
ये तो ये चीजें हो गई। इसके बाद हमारे पास मास्किंग टेप, स्लीव्स, ठीक है। इसके बाद मेरे पास नाइफ भी होनी चाहिए, सो दैट नाइफ किस लिए मैं यूज करूंगा, जो मेरे पास जो ये कॉपर वायर होगी उसको छीलने के लिए मैं नाइफ यूज करूंगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास रोटर होना चाहिए, रोटर के बाद या रोटेटरी स्विच भी बोलते हैं इसको, ठीक है। स्मॉल वायर पीसेस भी होने चाहिए मेरे पास, ठीक है। इसके बाद मेरे पास सोल्डर भी होनी चाहिए, और सोल्डर के साथ सोल्डरिंग आयरन, ये तो पता ही है, और फ्लक्स भी होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। और इसके बाद जो मेरे पास एक डीपीडीटी होना चाहिए, मेरे पास एक ऑटो कट प्लेट होना चाहिए, मेरे पास रिले होना चाहिए। अगर ऑटो कट प्लेट में ही है तो देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो रिले अलग से मुझे लाना पड़ेगा। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक मीटर चाहिए, वोल्ट मीटर। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक 909 का एक ट्रांसफार्मर चाहिए, इनकेस अगर मैंने 12 वोल्ट डीसी जो आउटपुट है इसमें नहीं निकाला होगा, मतलब इनपुट के थ्रू जो मैं यूज करता हूँ 12 वोल्ट डीसी। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक 3-पिन सॉकेट चाहिए, और एक स्विच चाहिए, स्विच नहीं कह सकते, वी कैन से स्विच ही, ऑन ऑफ स्विच, जो बैक साइड से यूज होगा। मुझे इंडिकेटर्स चाहिए, 2 नंबर इंडिकेटर, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का, ठीक है। मुझे एक लीड चाहिए पावर सप्लाई देने के लिए, और इसके साथ साथ मुझे एक चेसिस चाहिए, चेसिस गो यथ मन जी बेहना मन बसू रही, चेसिस मुझे चाहिए। मुझे हाँ, और एक चीज, इस रोटेटरी स्विच को हम सिलेक्टर स्विच भी कहते हैं, और सिलेक्टर स्विच, मुझे एक नॉब भी चाहिए, आगे जो ब्लैक कलर का नॉब यूज करते हैं हम, ठीक है। ये जर्नल सी चीजें जो मैंने आपको लिखी, यही चीजें हमें यूज आती है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो हमें यूज आएगी, और एक फ्यूज भी हम लगा सकते हैं आउटपुट पे, इट विल डिपेंड ऑन यू, क्योंकि नॉर्मल केसेस में फ्यूज हम यूज नहीं करते, बट यू कैन मेक यूज ऑफ दैट एज वेल। आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ फॉर यू पीपल, कि अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। डायग्राम आपको देख के है, आपको वायरिंग पता है मुझे कैसी करनी है, आपको पता है ऑटो कट प्लेट को कैसे लगाना है, वो मैंने आपको दिखाया भी। दैट विल नॉट बी, आई डोंट थिंक दैट विल बी एन इशू फॉर यू पीपल। बाकी अगर किसी को इसके रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है, ही कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कोई भी, अगर कोई भी डाउट है आपको, आप मुझे अभी भी टेक्स्ट कर सकते हो, यू कैन कॉल मी, अभी भी बता सकते हो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप डाउटफुल रहो। यू विल नॉट बिलीव कि अगर ये चीज आप मतलब मार्केट में जाओगे, यू विल सी दीज थिंग्स, ठीक है। बट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप किसी को भी बताओगे, किसी इंजीनियर को लो, उसको आप बताओ कि भैया मुझे बताओ ऑटो कट ट्रांसफार्मर में क्या क्या रहता है, he will tell you about the primary and secondary, because jab aap practical ke through jaoge you will learn ki primary the secondary na chahiye na kya aasan, theek hai। ha fuse aapko back end pe lagana hai, agar aap dekhoge, ha main batata hu, fuse aapko back end pe lagana hai, agar aap dekhoge jo terminal abhi back side se hai aap dekh rahe ho, wahan se wo jaake sbdt mein use aata hai, because hum fuse isliye lagate hain, maybe kabhi bhi input mein problem ho to wo kya kar sakta hai, wo andar jo hamara circuitry hai wo usko jala sakta hai। back side se fuse ka ek slot bana hua hota hai, usme hum fuse install karte hain, jo uska terminal laga rehta hai, 2 terminal fuse ke back side rehte hain, ek pe hum direct jo lead bahar se aayi hogi wo niche wale terminal mein use karte hain, aur jo output wahan se निकलता है वो एसपी जो हमारा डीपीडीटी है वो उसमें चला जाता है। का तरह समझ? यस सर। हाँ, कोई और डाउट है,
कोई भी अगर चाइल्डिश डाउट भी हो, अगर तुम बासो ना ये ना चन का दपन लायक थे, वो भी आप पूछो, क्योंकि आई डोंट वांट यू टू रिमेन इन सूचना डिलेमा। और एक चीज इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ कि जब आप मीटर वोल्ट मीटर अगर तुम वो या कह मीटर वो तथान बुथ कसान डायल सब बरबर जीरोस पे थवन तमि खर क्या अतान बुथ अगर आप कोई भी वोल्ट मीटर देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ देखो जैसे ये वाला मैंने उठा लिया फॉर एग्जाम्पल ठीक है ये अगर तुम वो ये मंजस आसान स्क्रू ठीक है इसी स्क्रू की मदद की वजह से हम इसको बरोबर जीरो पे रख सकते हैं। इसमें एक एरर आता है अगर आपने पढ़ा होगा इंस्ट्रूमेंटेशन में भी शायद आपने पढ़ा होगा इसमें एक एरर आता है तचिद पैरालेक्स एरर क्या चिता दबा पैरालेक्स मैं लिख देता हूँ पैरालेक्स एरर मतलब क्या आसान पैरालेक्स एरर मतलब को जब हम देखेंगे तो आपको लगेगा ये सचन ये डायल यह अकिस पे मगर प्रैक्टिकली अक खत बोन बात समझा गई हमारे आंखें उतना डिटेक्ट नहीं कर पाती है हम गलत मतलब हमारी आंखें डिटेक्ट गलत करती है अगर सू पॉइंट नाइन आवान मे बस यह वनस पे ठीक है या 1.2 आवान सो वन से पे मगर जब मैं ऊपर से देखता हूँ क्यों मैं शीशे के थ्रू देखता हूँ उस शीशु लगे पे आसान प्लास्टिक गिलासुक आम वजह से यह प्रॉब्लम हेकान गथ एरर दिखा पैरालेक्स एरर ठीक है उस एरर को हम पैरालेक्स एरर बोलते हैं। कोई और क्वेश्चन है या कोई और डाउट है यू कैन प्लीज टेल सो दैट आई विल एंड दिस सेशन बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास वी विल नॉट बी डीलिंग विद ट्रांसफॉर्मर्स कुछ और उठाएंगे जिससे हमें नॉलेज भी मिलेगी और हमें कुछ और सीखने का कुछ मौका भी मिलेगा। सर ये दैट अपन वोल्ट मीटर शासन ब्रू है नहीं है हां कोई एक्सप्लेन हां मैं बताता हूं। देखो कभी कभार क्या होता है कि जो ये वोल्ट मीटर हमारे पास रहता है मैं आपको फिर से दिखाता हूँ वोल्ट मीटर रहता है कौन सा अच्छी यूज डायल ना ये कि ये रेड कलर रेड कलर उस पॉइंटर अत इंडिकेटर यह हर फॉर एग्जांपल अभी सप्लाई मैंने नहीं दी है ठीक है यह गोथी हवा मैं 10 वोल्ट फॉर एग्जांपल तो मुझे क्या करना है मुझे इसको सेट करना है वापस जीरोस पे तो मैं आपको और कोई डायग्राम दिखाता हूं अच्छी वाली ये देखो जैसे है पूछू ये जैसे है ये तो बराबर जीरोस पे मतलब अगर मैं इनपुट नहीं दूंगा इट शुड बी ऑन जीरो बट कभी कभार क्या होता है ये जीरो से ना होके थोड़ा ऊपर चला जाता है क्या यू शुड डायल यही की गई हॉर्मोन ठीक है तो इसको सेट करने के लिए वापस जीरो पे लाने के लिए हम इसको जो यहाँ पे स्क्रू है ये तो बोर्ड स्क्रू अच्छी करान इसी को हम स्क्रू ड्राइवर से क्या करते हैं स्क्रू ड्राइवर इसमें डाल के हम इसको रोटेट कर सकते हैं हम इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसा कौन ये रोटेट करे एक ये यू स्विच ये सीधे स्क्रू जैसा होता है मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक वैसा नाम नहीं रहता है बट हम ये वोल्ट मीटर हर कोई वोल्ट मीटर अगर आप देखोगे उसमें ये रहता ही रहता है बिकॉज जो वोल्ट मीटर रहते हैं इनका प्रशिक्षण हाई नहीं रहता है ये एक्यूरेट नहीं होते हैं ठीक है सस्त वोल्ट मीटर आसान यह लगभग आसान 1.5 रुपये 1.5 रुपये यह सही वोल्टेज ये दिन मतलब अगर आप मल्टीमीटर से देखोगे और इस वोल्ट मीटर से देखोगे देयर विल बी ए 5-10% ऑफ गैप अगर से ये वोल्ट मीटर हावी ज्यादा मे बी चोन डिजिटल मल्टीमीटर हावी से जी हाथ या चोन डिजिटल मल्टीमीटर हावी जो डिजिटल मल्टीमीटर आर मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर बट जब पहले ही जो आप नीडल होगी वो डिस्प्लेस होगी यूथ विदाउट इनपुट वो ऑटोमेटिकली आउटपुट तो लग जब आप आउटपुट उठाओगे तो व्हाट विल हैपन 10% गुंथी तर एड ऑन गा कि ना हाँ इसमें और एक चीज आपको देखना है कि ये जो वोल्ट मीटर हमारे पास रहता है अच्छा और है आसान लिखित यह डीसी वोल्ट मीटर कि एसी वोल्ट मीटर ये चीज आप याद रखना ठीक है इसमें इंडिकेशन भी रहती है अगर खाली वी लिखा है इट मींस यू कैन यूज फॉर बोथ अदरवाइज क्या रहता है कभी कभार वोल्ट मीटर में आपका ना इंडिकेटर भी इंडिकेशन एक रहती है साइन वेव की तरह मैं देखूंगा मे बी इसमें हो किसी जगह अगर
ऑनलाइन आप मैं ये देखो फॉर एग्जाम्पल इन दिस आप देखोगे यहाँ पे साइन वेव भी बना के है बनाई छा छना बना ये दिख रहा है आपको ये यहाँ पे छना के साइन वेव बना ये Yes, sir. Yes, sir. इस साइन वेव से क्या लग रहा है हमें कि ये जो वोल्ट मीटर है ये हम दिस कैन बी यूज्ड फॉर एसी वोल्टेज ठीक है ये एसी वोल्टेज के लिए बना है तो हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं सो आई थिंक टुडेज लेक्चर जो मैंने आपको बताया आज जो हमने पढ़ाई की तो उसमें आपके बहुत सारे डाउट जो हमारे रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर है वो क्लियर हुए होंगे कम से कम आपको ये पता चला होगा कि अंदर जो ट्रांसफार्मर में हमारे पास सर्किटरी रहती है तथ मज क्या क्या चीज आसान वहीं अगर तू डखन पान तू खोलू तो आज छू खोसन जरूरत कहीं तो आज सारी पाई अंदर क्या है अंदर कोई जिन नहीं है ठीक है अंदर आपको सीधे पता है अंदर कने ऑटो कट प्लेट अख रिले अख लक ट्रांसफार्मर 909 हे कसित क्वायल आसे रोटेटरी स्विच आसे डीपी डीटी आसे मीटर अख आसे इंडिकेटर आसन बे आसे यो यूस रोटेटरी नॉब दिस इज मतलब ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अगर आप देखोगे 1 kV आसे 1000 तुम बनाए तो कह ट्रांसफार्मर जितने आप हाई 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 जाओगे आप ये देखोगे खाली आपकी क्वाइल बढ़ेगी रोटेटरी स्विच जो हम यूज करेंगे वो बढ़ जाएगा ठीक है तमिक साइज गसी बोर्ड जो हमारा सिलेक्टर स्विच है उसका साइज बढ़ जाएगा इसी तरह रिले के साइज बढ़ जाएंगे हमारे ऑटो कट जो प्लेट है उसका साइज बढ़ जाएगा वो माइक्रो कंट्रोलर बेस आ जाएगा बाकी और कोई इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टूडे इनशाला वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास ठीक है ओके सर अल्लाह ओके खुदा हाफिज़